राजनांदगांव की धर्मनगरी डूंगरगढ़ में 28वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांसद संतोष पांडे ने शिरकत करते हुए भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा प्रसाद योजना के तहत जो 43 करोड़ 33 लाख रूपये दिए गए हैं, इससे आगामी समय में प्रज्ञागिरी में विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं सांसद ने केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में किए गए चक्का जाम पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ रह नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी देश में 52 सीटों पर सिमट कर रह गई है और 2024 के चुनाव में जनता फिर कांग्रेस को जवाब देगी। के पास कुछ रह नहीं गया है, 52 सीट बची है कांग्रेस की। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़ के केरल वाई नॉट भागना पड़ा। आज वहाँ स्थिति सबसे दयनीय है और ये 24 की बात करते हैं, जनता समझदार है। अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है, 52 सीट बची है कांग्रेस की। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़ के केरल